हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी, करंट अफेयर की जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विसाहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और यहां पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ओके, चलिए, अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो ये आप लोग ले सकते हैं। ये कम समय में बहुत ही हेल्प करेगा। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे मात्र ₹149 में। 490 पेज की ये पीडीएफ है। निचोड़ नोट्स से इसमें वही क्वेश्चंस लगाए गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल है ये क्रैश कोर्स, गारंटी है सरकारी सीट। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़िए, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉट डॉट वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है क्या? एक दिष्ट या तटस्थ या बाजार मांग या हॉसमान। सभी लोग पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का, अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है? तो वो है बाजार मांग। कौन सा है? बाजार मांग। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जिस बाजार संरचना में केवल डॉट डॉट विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। कितने विक्रेता होते हैं जब उसे जो है एकाधिकार कहते हैं? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPIM की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। CPIM की स्थापना जो है कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। CPIM की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964 में हुई थी। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? किस मौलिक अधिकार में कहा गया है? या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा कि सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। और अपना स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और भी क्लासेस आप लोग देखें। 6 जुलाई को आपका पेपर होगा और DLED का भी फॉर्म आ गया है। डिटेल में वीडियोस अभी मॉर्निंग में मैं बनाया हूं, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग जैसे 2022 में DLED करना चाहते हैं तो उनको आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? तो ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 23 से 24 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1528 में जो है चंदेरी में राजपूतों को हराया था। किसने जो है 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया था? 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वो कौन सा युद्ध हुआ था? देखिए, खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध। तो इसमें देखिए, चंदेरी में राजपूतों को हराया था। किसने हराया था? बाबर ने। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे?
छठवे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी और ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे शेखर है, ठीक है, खेखर लिखा हुआ है। चलिए, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर जो है भूमि है? भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? 20, 30, 35 या 40? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो ये है 30%, ठीक है, भाग पर जो है भूमि है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें। चलिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल, परपटी, क्रोड या बहिर्मंडल? 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की सतह की जो है सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, उसे कहते हैं परपटी या भूपरपटी। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस मानव का जो है वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अधिकांश पुष्पी पादपों में जो है चार गुरु बीजाणुओं में जो है से कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। अधिकांश पुष्पी पादपों में चार गुरु बीजाणुओं में से जो है कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? तो अनुपात होता है 1:3, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल किस प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है? सभी जटिल प्राणियों का शरीर जो है केवल कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। सभी जटिल प्राणियों का शरीर जो है केवल चार प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे भी आपको इसी तरह की जो है क्लासेस डेली मिलती रहेंगी, ठीक है, जब आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा। जब आप लोग टेट सीटेट का एग्जाम देंगे तो कैसे टेट सीटेट एग्जाम को क्लियर किया जाता है, जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूं, वैसे ही आपको मैं बताऊंगा। मात्र 15 से 20 दिनों में आप लोग पढ़कर सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बस आप लोग जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। टेट सीटेट की भी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल से, ओके। चलिए, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहा जाता है क्या? चालमापी, पथमापी, विलोमीटर या थर्मोमीटर? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, पथमापी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसे क्या कहते हैं? पथमापी कहते हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। दाब के एसआई मात्रा को क्या कहते हैं? जवाब देंगे सब लोग, दाब के एसआई मात्रा को क्या कहते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 10th से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे। दाब का एसआई मात्रा क्या है? पास्कल है। क्या है? पास्कल है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डॉट डॉट डिस्क का इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जहां भंडारण के पहले डाटा का इंक्रिप्शन किया जाता है। कितना किया जाता है? आधा, पूरा, दुगुना, तिगुना? तो यहाँ पे पूरा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो वो है मैग्नीशियम, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड है? निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड है? तो गैस सबसे अधिक जो है संपीड है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। डॉट डॉट गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग यानी कि अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, वह कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और इस क्वेश्चन को स्टार लगा के नोट भी कर लेंगे सभी लोग। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, कौन सी गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है?
तो वह गैस है ग्रीन हाउस, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 2017 में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किस राज्य में मंत्री और विधायकों के प्लेक्स और फाउंडेशन स्टोन्स पर नामों को शामिल करने का प्रतिबंध लगा दिया था, वो राज्य कौन सा है? पंजाब है, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह थे, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है, इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे। चलिए, और किस पार्टी के, ये भी आपको बताना है। चलिए, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? जवाब देने के प्रयास करेंगे। और जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूं तो वो क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप लोग बताया करें। तो ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर जॉब हॉर्सेन ने, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2015 का जो क्रिकेट विश्व कप था पुरुष वाला, उसका विजेता कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है और कंगारुओं को देश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, रुक्मणी देवी अरुंदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी? नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये थी भरतनाट्यम के। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र। डांडिया कहाँ का है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। डांडिया सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिए, नाटक स्वेट के लिए 2017 पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था? नाटक स्वेट के लिए 2017 पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नाटक स्वेट के लिए 2017 पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था? तो लिन नॉटेज ने जीता था, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देखिए कथन लिखे हुए हैं, तीन कथन लिखे हुए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन कौन से कथन सही हैं। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, उपन्यास द करेक्शन के लेखक जॉनथन फ्रांसिस हैं, उपन्यास द विजिट ऑफ गोन स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स हैं, तो इसके लेखक जो हैं एडवर्ड पी जोन्स नहीं हैं। आगे देखिए, उपन्यास 40 थीव्स के लेखक थॉमस पैरी हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही है, तो ए और सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, बी वाला आपका नहीं सही है, तो ए सी सही है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार किसमें वर्ष 2018 में सबसे पहला मलेरिया टीका का परीक्षण करने वाला एक पायलट कार्यक्रम शुरू होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ था अफ्रीका में, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता, बताइए। भूटान जो है अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कौन कौन से राज्य हैं जो साझा करते हैं, तो सिक्किम साझा करता है। ठीक है, सिक्किम के अलावा अरुणाचल प्रदेश साझा करता है, असम साझा करता है, ठीक है, और बंगाल, मेघालय नहीं साझा करता है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भूटान अपनी सीमा जो है मेघालय राज्य से सीमा अपनी साझा नहीं करता है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्रति बाजार कीमत होती है कौन सी, किसके बराबर होती है या किससे आधी होती है, दुगुना, कम? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्रति बाजार कीमत के बराबर होती है। ठीक है, किसके बराबर होती है, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, औसत संप्रति बाजार कीमत के बराबर होती है। चलिए आगे देखते हैं। मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला या निर्णयकर्ता भी होते हैं, खरीदार या विक्रेता कंपनियां भी, जो अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं, जैसे उत्पादक या विक्रेता, और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण का स्तर उपभोक्ताओं के रूप में क्या कहलाता है? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप लोग इसका जवाब देंगे। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्या कहलाता है? वेट कर रहा हूँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मोटिवेट होता हूँ, और भी बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस मैं आप लोगों के लिए आता रहूँगा। चलिए, वह कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? NCP की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1999 में हुई थी, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कि भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग नोट करेंगे इस प्रश्न को। तो ये कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट जरूर से जरूर आप लोग करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1917 में महात्मा गांधी ने कहाँ के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था? खेड़ा जिला तो ये है गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किए थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकती वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकती वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया? तो वो रानी है रुद्रमा देवी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं, संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं कौन से संसाधन? 32 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं कौन से संसाधन? सर्वव्यापक संसाधन जो है हो सकते हैं वर्गीकृत। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? अच्छा प्रश्न है। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग डीएम हमें कर सकते हैं। तो लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो ये जो है संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आगे क्वालिटी सही है पीडीएफ की। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वो है फेमुर या फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटी हड्डी पूछे तो कान में पाई जाती है, उसका नाम है स्टेपीज। ओके चलिए यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा कम है तो मैं आपको पढ़ के बताए दे रहा हूँ। 35 का प्रश्न यहाँ पे क्या है देखिए। 35 वाला क्वेश्चन ये है कि बीजंड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत होता है, किसके मतलब होता है? जो बीजांड के आधारी भागों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे नाभिका, बीजांड व्रंत या निभाग या बीजांड काय। 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वहां पे आएगा निभाग, क्या है? निभाग होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एकल कोशिकी प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? एकल कोशिकी प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं ए कोशिकाओं द्वारा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? उसे कहते हैं नियमित परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध को मापने की इकाई है ओम। क्या है? ओम है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा इफ कथन के तीन अलग अलग प्रकारों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है इफ कथन के तीन अलग अलग प्रकारों में से एक नहीं है? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये नहीं है इफ एंड। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पेट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। क्या है? नायलॉन है या एक्रिलिक है या पॉलिएस्टर है या रेयन है? तो पेट एक जो है बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है, इसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पॉलिएस्टर याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ऑक्सीजन से भारी होती है? कौन सी ऑक्सीजन से भारी होती है? 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ईमानदारी से चैनल को, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन से भारी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से भारी होती है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत में वायु प्रदूषक निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें किसमें जो है संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया है? कब जो है संशोधन किया गया?
तो ये संशोधन किया गया था 1987 में, संशोधन का जो है शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई की पाइपलाइन नहर के प्रथम चरण लिंक टू का उद्घाटन किए हैं, किस राज्य में? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो ये किए थे गुजरात राज्य में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया? निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया? 45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया? तो निर्वात पंप का आविष्कार ऑटो वॉन गोरिक ने किया था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन था? 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन था? तो वो था सेबेस्टियन वेटल। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण किसने किया था? कई बार मैं आपको बता चुका हूं और इस क्वेश्चन में स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किसे मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 62वां फिल्म पेयर पुरस्कार 2017 मिला है? किसे मिला है? तो ये मिला है आलिया भट्ट को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, उपन्यास ये जो एंसलरी जस्टिस के लेखक जो हैं एन लेकी हैं, यही केवल आपका सही है, यही। अच्छा, इसमें केवल सही नहीं है बताना है आपको। देखिए यहाँ पे ये सही है, ये हाँ सही है, जो एंसलरी जस्टिस के लेखक हैं वो एन लेंकी हैं, और बाकी यहाँ पे ये जो इसके लेखक जॉन ईस्टबैंक लिखे हैं और इसके एन ब्रैंड हैं, तो ये आपके मतलब नहीं सही हैं। तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, चलिए, मई 2017 में एरियाना ग्रांडे का प्रदर्शन किस शहर में चल रहा था जब उसके संगीत कार्यक्रम पर आतंकवादी हमला हुआ था? ये करंट का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, मैनचेस्टर में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैनचेस्टर से क्वेश्चन याद आया कि अगर एग्जाम में पूछ लिया कि भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयटम्बूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का कि भारतीय राज्य सिक्किम किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? सिक्किम जो राज्य है वो किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, ये आपको बताना है। 50 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो नेपाल के साथ देखिए करता है, भूटान के भी साथ करता है, चीन के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता है सिक्किम राज्य। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, और ये जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएसई क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों, तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग इंस्टाग्राम कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दी जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।